बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 12.3 का। क्वेश्चन है कि इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन लास्ट थ्री डेज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे तीन दिन में जो बारिश बता रहा है वो कितनी हुई है 276 मिलीमीटर। देन उसने क्या कहा कि देन हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन वन वीक। तो हमें ये बताओ कि कितनी सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर एक वीक में होगी, एक वीक का मतलब यहाँ पे 7 डेज में। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। बट हमसे क्या है, हमें रेन पहले बताई गई है मिलीमीटर में और हमसे पूछा क्या जा रहा है सेंटीमीटर में, तो पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी से निकल जाए वो। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ कि हमारे पास कितने मिलीमीटर मिलकर एक सेंटीमीटर बनता है। तो हमारे पास देखो 10 मिलीमीटर कितने के इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, यही होता है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हाँ जी, देन हम क्या कहेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये बताओ कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, सेंटीमीटर होंगे। तो हमारे पास 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे ना, तो 1 मिलीमीटर में क्या होंगे 1/10 सेंटीमीटर होंगे। ओके जी, देन हमारे पास 276 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 276 में तो निकाल रहे हैं, देन देखो 276 मिलीमीटर में कितने होंगे, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि अब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1 × 276/10। ठीक है जी, यानी हमारे पास आ गया 276/10 सेंटीमीटर होंगे हमारे पास किसमें, 276 मिलीमीटर में। ओके इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, अब तीन दिन में कितनी बारिश हुई 276/10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हमें 7 दिन में बतानी है, कर लेते हैं। देखो इसको, अब इसको कैसे लिखेंगे, रेन फॉल इन थ्री डेज, 3 दिन में कितनी बारिश हुई है सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 276/10। ओके 10 सेंटीमीटर इतनी बारिश हुई। ओके जी, तो हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि एक दिन में बताओ भाई कितनी बारिश हुई, तो क्या करेंगे, अब रेन फॉल इन वन डे ऐसे लिखूंगा, तो क्या करेंगे कम, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा हूँ ना मैं, पहले वैल्यू थी हमारे पास 3 दिन की, अब 1 दिन की निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा से कम यानी कि डिवाइड करेंगे, तो यह क्या होगा हमारे पास 276 को हमने 10 तो है ही और नीचे 3 से हो जाएगा डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस तरीके से। देखो इसको जब ये नीचे जाएगा तो नीचे तो मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा इधर, आप इसको ऐसे कर लो, चलो आपको अगर ऐसे समझ में ना आए ना, तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है ना 3 को, तो एक तो चीज़ ये है ही हमारे पास, और इसको ऐसे कर लो, 3 से डिवाइड कर दिया ना हमने इसको। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको मैं क्या मानता हूँ 3/1 एक ही बात है। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी इसको सॉल्व करते तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाते, ऊपर वाला चेंज नहीं होता, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, जब भी होगा तो ये इस वाले को क्या करते घुमा देते हैं और ऊपर ले जाते हैं उल्टा करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाएगी ये 276/10, ये 3/1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना होगा, 3 1 एंड 3 के टेबल में 276 आता है, इसको ऐड करके देखो 2+7 9 9+6 15, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो ये कितने पे जाएगा, देखो ये जाएगा 92 पे। ओके तो हमारे पास क्या आ गया अब 92/10 सेंटीमीटर, यानी कि एक दिन में कितनी बारिश हुई है 92/10 सेंटीमीटर। ओके जी, तो हमें कितने दिन के लिए निकालनी है, 7 दिन के लिए निकाल लेते हैं जी, आ जाओ। देन रेन फॉल इन 7 डेज, 7 दिन में बताओ, तो अब क्या करेंगे, पहले 1 दिन का निकाला था तो डिवाइड किया, अब ज़्यादा दिन का निकाल रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे 92/7/10, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो 7 × 2 = 14 हासिल 1, 7 × 9 = 63 और 1 = 64 6/4/4/10 यही होगा सेंटीमीटर में। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, इसको
64.4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10th है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे ना पीछे से, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया हमने, तो क्या होगा 64.4 सेंटीमीटर बारिश हुई है हमारे 7 डेज में, या 6644/10 सेंटीमीटर बारिश हुई है 7 दिन में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों।